राजधानी लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र स्थित कुर्सी रोड पर दबंगों का कहर। गुड़म्बा थाने के क्षेत्र में बदमाश बेखौफ गढ़ी चौकी के चंद कदम की दूरी पर दबंगों ने किया हमला। उत्तर प्रदेश राजधानी के लखनऊ में गुड़म्बा थाना क्षेत्र कुर्सी रोड के समीप चंद्रा गेस्ट हाउस के पास दबंगों का कहर देखा गया, जहां अज्ञात दबंग युवक की पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर गए। मामला राजधानी लखनऊ के गुड़म्बा थाना स्थित कुर्सी रोड के चंद्रा हॉस्पिटल के सामने का है, जहां दबंगों की गुंडई सरेआम देखी गई। गुड़म्बा थाना क्षेत्र में दबंगों की तूती बोलती है। सूत्रों के मुताबिक उमंग किसी कस्टमर के पैसे लेकर आ रहा था, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने अचानक हमला कर दिया। बेखौफ दबंगों ने पटरे बल्लियों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया, जिससे काफी गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने घायल उमंग को बुरी तरीके से मारा है, जिससे कि उसका एक पैर फट गया है और भी काफी चोटें आई हैं। मौके पर हुआ घायल खुलकर गवाही दे रही है कि अपराधियों पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही गुड़म्बा पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराधियों को पकड़ ले गई और घायल उमंग त्रिपाठी को इंटीग्रल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सदन प्रभात के संवाददाता ने गुड़म्बा प्रभारी से बातचीत की तो बताया कि दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं और घायल उमंग त्रिपाठी का इलाज चल रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि गुड़म्बा पुलिस पीड़ित के पिटाई पर दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। खबर लिखे जाने तक यही जानकारी है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तमाम उपाय कर रही है, तो वहीं गुड़म्बा पुलिस अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। चोट दिखाई। रुक जा भैया, इधर रुको भैया। चोट दिखा सर, ये लोग सर मुझे वहां से बाहर के बाहर के बुलाए भैया भैया भैया, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए आंटी। अच्छा, इसके हॉस्पिटल में, अरे इधर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में तो दिखाएंगे। वीडियो आपकी बना, थोड़ा साइड में खड़े हैं। मुझे इतने लड़के वहाँ से दौड़ा रहे थे। क्यों दौड़ा रहे थे भैया, क्या हुआ, क्या था आंटी? मैं उधर से आ रहा था पेमेंट लेके अपने कस्टमर से। हाँ।